नमस्कार, मैं आरिफ मंसूरी प्रकाश भवन आपका स्वागत। यूपी के अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के चंदेरिया गांव में बेखौफ दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे युवक को काफी चोटें आईं। वहीं पीड़ित ने संग्रामपुर थाने पहुंचकर संग्रामपुर थाना अध्यक्ष को लिखित तहरीर देकर दबंगों पर कार्यवाही की मांग। आपका कहां के रहने वाले हैं भैया? हमारा नाम मोहम्मद हबीब खान है, चंदेरिया गांव के हैं। चंदेरिया गांव के रहने वाले। क्या मामला लेके आप थाना संग्रामपुर आए हुए? हम दोपहर में तकरीबन 2:15 करीब में अपने मामा के घर गए थे। वहीं बैठे थे तो ये अपना समीर, निहायत और सोनू और शोएब, ये चार लोग आए। और वहाँ जो है ये समीर जो है कोई बंदूक लिए थे, देसी मॉडल कैसी थी वो हम लोग तो कभी देखे नहीं हैं। वो बंदूक लिए थे और अल्लाह के हमारे पास हटा दिए। और निहायत जो है हमको लाठी से यहाँ मारे, और सोनू जो है छुरी लिए थे, छुरी लेकर आगे लेके खड़े थे, कहीं भागोगे तो मार देंगे। क्या विवाद था आप उनका, क्यों मारे? उनसे हमारा कोई विवाद नहीं था। हमारे घर के पूरब साइड में एक दीवार बन रही है, जो हमारे पड़ोसी से थोड़ा बात हुई थी तो हम लोग उस पर समझौता कर लिए। और 100 नंबर गई थी, समझौता कर दी, जो समझौता हुआ उसी पर कर लिए। बाद में वो आए, बोले यहाँ से क्यों बना रहे हो? तो उनके पड़ोसी ने कहा समझौता हो गया है और अभी जो है हम लोग अपने दोनों राजी मर्जी से अपनी दीवार बना रहे हैं। तो दीवार बना रहे थे, लेकिन जो हम लोग जब वहाँ अपने मामा के यहाँ मैं गया तो वो लोग उसी टसन लेके वहीं पे आके हमको मारे। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? हमारे शोल्डर पे लाठी लगी है, ये हाथ जो है हमारा उठ नहीं रहा। थाना संग्रामपुर में आए हैं, यहाँ दिए हैं एप्लीकेशन। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।